तिरहुत रेंज के आईजी को सारण के डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनकी जिम्मेदारी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सारण दौरे पर आए शिवदीप लांडे ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। सारण के निवासी सुपर कॉप शिवदीप लांडे को अपने जिले में देखकर काफी उत्सुक है। उन्हें लगता है कि उनके आने से जिले में क्राइम का ग्राफ कम होगा। बिहार के छपरा में आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे को डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इस दौरान उन्होंने छपरा पहुंचकर एसपी डॉ आशीष के साथ काफी देर तक अपराध नियंत्रण के विषय में मंत्रणा की। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे को सारस में डीआईजी का प्रभार दिया गया। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी और लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। आपको एक सुपर कॉप के रूप में देखती है पब्लिक, कितने दिन रहेंगे यहाँ पर? विकास से कल ही मैंने अतिरिक्त प्रभार लिया था मुख्यालय के आदेश के आलोक में। आज जस्ट विजिट करने आया था यहाँ पे और एसपी छपरा आशीष से डिटेल में बात हो गई। अभी देखते हैं, पहले तो तीनों डिस्ट्रिक्ट को विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके क्राइम पैटर्न समझ में आ जाएगा, बाद में क्राइम के जो ट्रेंड्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। हालांकि मुजफ्फरपुर से अटैच्ड ये डिस्ट्रिक्ट है तो मुझे लगता है मोर और लेस सेम ही पैटर्न होगा, लेकिन एक बार सब एसपी से डिस्कस करने के बाद उसको मैं कुछ कह पाऊँगा। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं इंस्टीट्यूशन में बिलीव करता हूँ। एसपी का जो इंस्टीट्यूशन है वो उसके स्ट्रांगनेस पे, उसके स्ट्रेंथ पे मैं बिलीव करता हूँ। तो जो कुछ भी एसपी एक्शन लेंगे यहाँ पे, प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे, रिएक्टिव एक्शन लेंगे, उसके साथ हमेशा मैं रहूँगा। मेरा मार्गदर्शन का एक काम उनके लिए रहेगा। जो कुछ भी एक्शन या रिएक्शन की जो बातें हैं वो एसपी की ओर से होनी चाहिए और मैं एक गार्जियन की तरह उनको गाइड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सारण जिला अंतर राज्य बॉर्डर लगता है, क्राइम का कई सारा कांड लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है, उसको लेकर क्या पहल होगी? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं स्टेप में था तो सोनपुर मेला में काजल यादव करके क्रिमिनल था, वांटेड था, बहुत सारे दो दर्जन से ज़्यादा केसेस थे, उसके अरेस्टिंग के ऑपरेशन में मैं था वहाँ पे। रात में 3 बजे उसका अरेस्टिंग हुआ था उस वक्त। बाद में सर था मैं जब डीआईजी था, उसकी हत्या हो गई थी। और भी 2-3 क्रिमिनल्स के अरेस्टिंग में मैं आया हूँ, सोनपुर और छपरा तक आया हूँ। अभी गोपालगंज और सिवान में उस टाइप से कभी मैं जो स्टेप में भी कोई क्रिमिनल पकड़ने का कोई मौका मिला नहीं, और इस क्षेत्र में मैंने कभी काम भी नहीं किया। तो हाँ, ये जो बॉर्डरिंग एरिया है छपरा से रिलेटेड, सोनपुर मेला में जो एक डांस वांस का मेला का जो चलता है, जो रात में डांस थिएटर वगैरह, उस पर एक्शन हुआ था जब मैं सिटी एस पी था पटना में, तब लड़कियाँ वहाँ पर भाग के आ गई तो उन्होंने कंप्लेंट किया था, तो कंप्लीट वहाँ पर बंद कर दिया गया था। तो उसके अलावा इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे भी सीखना पड़ेगा। अभी जैसे ही मैं विजिट करूँगा तो मोर और लेस मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कोई क्राइम का पैटर्न, क्राइम की ट्रेंड, इम्पोर्टेंट क्रिमिनल्स, बाद में इंटरस्टेट जो आप बात कर रहे हैं उसका क्या मोडस है। तो जनरली एक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक जो बॉर्डर का इशू है वो स्पेशली शराबबंदी को लेके काफ़ी मायने रखता है। तो जब गोपालगंज और सिवान जाऊंगा, वहाँ के फैक्ट एंड फिगर देखूंगा, वहाँ के सीधर के मोडल्स देखूंगा, वहाँ के स्मगलिंग का ऑपरेंडी देखूंगा, तो मैं उस पर कुछ कह पाऊँगा। ऐसे भी सर, ये चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है, लेकिन हाल में एक घटना हुई थी सर के सामने, मैं बता रहा हूँ, एक बैंक लूट का घटना हुआ था, उसमें सर ने 36 घंटे के अंदर सारे अभियुक्त और 10 लाख से ऊपर रिकवर कर लिए। चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट तो है सर छपरा, नो डाउट। चैलेंज हर डिस्ट्रिक्ट चैलेंजिंग ही होता है, और चैलेंज देखने का पैरामीटर अलग हो सकता है। तो एक सिंपल से ही रेप की घटना भी मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज की होती है। एक हत्या की जो प्रोफेशनल के जो हत्या होती है वो भी एक चैलेंज होता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से एक डिटेक्शन हुआ है बैंक रॉबरी का, तो वो काफ़ी सराहनीय है। और ब्रीफ में इसने बताया आशीष ने, ह्यूमन इंट के बेसिस पे उन्होंने किस टाइप से उसको डिटेक्ट किया और 36 घंटे के अंदर उसका रिकवरी भी किया। तो पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, जब जहाँ तक मेरी पुलिसिंग की बात है एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस से, एक तो जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं रॉबरी लूट वगैरह, उसमें आपकी रिकवरी क्या है, अरेस्ट तो आप कर ले तो, लेकिन रिकवरी क्या है, तो रिकवरी के बाद उसका एक पैरामीटर समझ में आता है कि नहीं पुलिस का एफिशिएंसी किस तरह से। और दूसरी बात है कि अगर कोई क्राइम होता है, क्राइम होने के बाद क्या आप लोग भी चलाते हो उस क्राइम को, 2 दिन चलता है, समाज में चर्चाएँ होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पुलिसिंग के हिसाब से कि उसका कन्विक्शन आता है कि नहीं आता है, यानी एंड तक ले जाता है कि नहीं जाता है जो